नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग के सर्वेइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अगर ये जो है पार्ट फाइव है, अगर आप पार्ट फोर तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल इंटरवल इज, कंट्रोल इंटरवल क्या होता है? तो कंट्रोल इंटरवल जो होता है वह दो लगातार कंट्रोल के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस को बोला जाता है। और कंट्रोल इंटरवल जो होता है वह स्केल ऑफ मैप का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, इसलिए स्केल ऑफ मैप का जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कंट्रोल इंटरवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंपी लेवल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, डंपी लेवल जो होता है कब जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है? तो ऑप्शन ए है द इंस्ट्रूमेंट टू बी शिफ्ट फ्रीक्वेंटली, जब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट फ्री लगातार किया जाता है तो डंपी लेवल का जनरली यूज जो है मोर सुटेबल उस एरिया में होता है जहाँ पे जो है एक ही स्टेशन से जो है हम अधिक से अधिक रीडिंग ले पाते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है मेनी रीडिंग्स आर टू बी टेकन फ्रॉम सिंगल सीटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक सिंगल सीटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जो है हम बहुत सारा रीडिंग लेते हैं, तब डंपी लेवल का जो है सूटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज टू बी डिटरमाइन फॉर बेस्ट रिजल्ट, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन शुड बी, कह रहा है कि हमको जो है लेवल का डिफरेंस निकालना है दो स्टेशन ए और बी के लिए, तो अच्छा रिजल्ट जो है हमको कब आएगा, हमको इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पर रखना चाहिए, तो कोई भी दो स्टेशन के बीच का अच्छा रिजल्ट हमको चाहिए तो दोनों के बीचों बीच जो है हमको इंस्ट्रूमेंट को लग देंगे तो हमको जो है एरर कम से कम होगा, जब एरर कम से कम होगा तो हम जो है दोनों स्टेशन के बीच अच्छा रीडिंग ले पाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, कह रहा है कि लेवलिंग में जो है स्टेशन उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे जो है लेवल स्टाफ को रखा जाता है, तो ये बात सही है कि जिस पॉइंट पर लेवल स्टाफ को रखा जाता है उसी पॉइंट को स्टेशन बोला जाता है न कि जहाँ पे सेटअप किया जाता है। ऑप्शन बी में है कि एक बबल ट्यूब का जो इनर सरफेस होता है वह ब्रीथ का एक चाप जैसा होता है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन सी में है कि एक लेवल ट्यूब का सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाता है लेवल के लेंथ को बढ़ाने पर, यह भी बात सही है, यानी सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिनरी लाइन लाइन थ्रो आउट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड प्रिजर्विंग ए कॉन्स्टेंट इंक्लिनेशन टू द हॉरिजेंटल इज नन एज, करा कि वह काल्पनिक रेखा जो जमीन पर जो अवस्थित हो और क्षितिज के साथ जो है एक नियत झुकाव बनावे उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है कंटूर ग्रेडियंट बोला जाता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है कंटूर ग्रेडियंट, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप जो है कंट्रोल ग्रेडियंट का इमेज देख सकते हैं कि इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब इज डिजाइनेटेड बाय, एक लेवल ट्यूब का जो होता है सेंसिटिवनेस वह किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो वह जो है लेवल ट्यूब के जो है त्रिज्या यानी रेडियस के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है कि सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब जो होता है वह रेडियस यानी त्रिज्या ऑफ लेवल ट्यूब के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी, देन एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे जो है डी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टॉप पॉइंट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का, तो कर्वेचर करेक्शन का जो एरर है वह किसके समानुपाती होता है, तो कर्वेचर करेक्शन बराबर होता है 0.0785 डी स्क्वायर इन मीटर, तो यहाँ पे जो है डी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल डूइंग लेवलिंग इन ट्रेन इट इज प्रीफर्ड टू सेट लेवल वन,
करता है जब हम लेवलिंग करते हैं तो हम जो है क्या प्रीफर करते हैं किसी भी भूभाग में जब हम लेवलिंग करते हैं तो हम जो है वहाँ पे वन साइड ऑफ स्लोप को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि एक साइड ऑफ स्लोप को प्रीफर करने के बाद जो है शॉर्ट साइड अवॉइड हो जाता है, जिसके कारण फोर साइड और बैक साइड रीडिंग जो होता है इक्वलाइज किया जाता है और स्टेशन की संख्या कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडीज रूल इज अप्लाइड टू, बॉडीज रूल जो होता है वह कहाँ पे अप्लाई होता है? तो बॉडी रूल का यूज जो है ट्रेवर्स को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। जब एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट को एक समान माना जाता है तब बॉडी रूल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि बॉडी रूल और ट्रांजिट रूल तब यूज करते हैं जब एंगुलर मेजरमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बॉडी रूल में दोनों समान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रेवर्स इज कॉल्ड। तो एक ट्रेवर्स के जो आता है उसके पिछला टेंजेंट को आगे बढ़ाने पे और फॉरवर्ड अगला जो टेंजेंट होता है ट्रेवर्स का उसको मिलाने पर जो एंगल बनता है उसको डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। यानी यहाँ पे जो होता है ऑप्शन ए करेक्ट है। आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक ट्रेवर्स का जो है प्रीसीडिंग लाइन और फॉरवर्ड लाइन के मिलने के बाद जो है यहाँ पे जो है एक डिफ्लेक्शन एंगल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिट रूल ऑफ एडजस्टिंग द कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रेवर्स इज यूज्ड वेयर। ट्रांजिट रूल का हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है एंगुलर मेजरमेंट आर मोर एक्यूरेट देन लीनियर मेजरमेंट। तो ट्रांजिट रूल का हम वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है लीनियर मेजरमेंट का, और बॉडी रूल वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे दोनों को समान महत्व दिया जाता है, समान लगभग रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है कि एंगुलर मेजरमेंट मोर एक्यूरेट देन लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। सस्टेंस बार जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है किस लिए? तो सस्टेंस बार जो होता है इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अंडुलेटेड एरिया में मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अंडुलेटेड एरिया। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, चूँकि सस्टेंस बार का यूज हम अंडुलेटेड एरिया में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्यूरेट मापने के लिए करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि सस्टेंस बार जो होता है इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन बाय टेक्यूमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। टेक्यूमेट्रिक ऑब्जर्वेशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको मिलता है वह उसमें क्या ज़रूरत होता है? तो स्लोप करेक्शन का होता है कि टेंशन करेक्शन करना पड़ता है कि स्लोप टेंशन दोनों करना पड़ता है कि कोई नहीं करना पड़ता है? तो जो टेक्यूमेट्रिक ऑब्जर्वेशन में लेते हैं उसमें हमको किसी प्रकार का करेक्शन की जरूरत नहीं होता है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन स्टेडिया डायफ्राम। स्टेडिया डायफ्राम में जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स जो होता है उसमें 3 क्रॉस वायर्स दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। ऑप्शन सी जो है 3 वही करेक्ट है, क्योंकि स्टेडिया डायफ्राम में जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स की जो संख्या होता है वह 3 होता है। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज। एक थियोडोलाइट का मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो एफ बाई होता है। ऑप्शन बी में है एफ प्लस डी होता है। ऑप्शन सी में है एफ बाई आई प्लस डी होता है। ऑप्शन डी में है एफ बाई डी प्लस आई होता है, जहाँ पे एफ जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ट्यूब का है, आई जो स्टेडिया हेयर इंटरवल है, डी जो है डिस्टेंस है। तो मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट जो होता है वह एफ बाई आई होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाई स्टेडिया हेयर इंटरवल के जो रेशियो आता है एफ बाई उसी को जो है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। टेक्यूमीटर में जनरली जो है 100 होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर ए टेक्यूमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट आर रिस्पेक्टिवली।
टेक्यूमीटर के लिए जो होता है एडिटिव कांस्टेंट 0 होता है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 एंड 100, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। टेक्यूमीटर के लिए एडिटिव कांस्टेंट 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इंटरसेप्ट ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व एज 0.75 मीटर फ्रॉम ए टेक्यूमीटर, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टेक्यूमीटर एंड स्टाफ स्टेशन इज, हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी पुट रहा है, डी बराबर जो होता है एफ बाई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। एफ बाई टेक्यूमीटर के लिए मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट 100 होता है, यहाँ पर डी दिया हुआ है 0.75 मीटर और एफ प्लस डी 0 होता है, तो इसको 75 मीटर आता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द ट्रोनियन एक्सिस इज 15 सेंटीमीटर, एडिटिव कांस्टेंट क्या होगा? एडिटिव कांस्टेंट बराबर होता है एफ प्लस डी, यहाँ पे एफ दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करिएगा तो 0.25 हो जाएगा, और डी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.4 मीटर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.4 मीटर, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, एडिटिव कांस्टेंट बराबर एफ प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस एयर इन स्टेरिया डायफ्राम ऑफ टेक्यूमीटर इज 1.2 mm एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज 24 सेंटीमीटर, देन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ टेक्यूमीटर इज, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यानी एफ बाय आई पूछ रहा है, आई जो है यहाँ पे स्टेरिया हेयर इंटरवल जो होगा, तो एक जो है दिया हुआ स्पेसिंग 0.1.2 mm, इसको जो है 3 गो क्रॉस हेयर होता है, 2 इंटरवल होगा यानी कि 2 इंटू, और चूंकि जो है यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0.12, तो 0.24 हो जाएगा, या बाय 24 बाय 0.24 करेंगे तो 100 आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।